हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वोमेन न्यू दिल्ली से नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस विज्ञप्ति में विभिन्न पदों पे जो आवेदन आमंत्रित किया गया है वो परमानेंट पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं जो परमानेंट पोस्ट के लिए हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो शुल्क लग रहा है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इस विज्ञप्ति में परमानेंट नॉन टीचिंग के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इस विज्ञप्ति में जो पद है उसमें PC1 पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद है, नंबर ऑफ पद 1 हैं। PC2 में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का पद है, 1 पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा PC3 में सीनियर असिस्टेंट का पद है, कुल 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। PC4 में लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर का पद है, 1 पद हैं। तबला अकाउंटेंट का 3 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। जूनियर असिस्टेंट के 4 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 4 पदों पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसी तरह लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए कुल 4 पदों पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगरी वाइज डिटेल आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल क्या है। तो इसमें जो पद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद है, नंबर ऑफ पद 1 है, ग्रुप ए है, पे लेवल 10 है, एज लिमिट 35 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या इट इज इक्विलेंट ग्रेड ऑफ बी इन UGC 7-point स्केल। इसके अलावा जो डिजाइवर करके दिया है इसमें LLB, MCA, BCA या MPhil या PhD ETC करके दिया है, जो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा पद है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का है, नंबर आप पद 1 है, ग्रुप बी का पद है, पे लेवल 7 है, एज लिमिट 35 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एम प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल स्टेनोग्राफी या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ETC करके दिया है, जो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टील टेस्ट नॉर्म्स दिया है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। डिजाइवर में डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन अदर डिटेल दिया है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा पद है सीनियर असिस्टेंट का है, ग्रुप बी का पद है, लेवल 6 है, एज लिमिट 30 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर करके दिया है। इसके अलावा नोट दिया है, नोट से संबंधित डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा पद है लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर का पद है, ग्रुप सी का पद है, लेवल 4 है और एज लिमिट 30 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस वैकेंसी में जो सारे पद हैं वो सरकारी हैं। क्वालिफिकेशन में 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, इसके अलावा या ग्रेजुएशन रिलेवेंट सब्जेक्ट से संबंधित होनी चाहिए। 12वीं क्लास पास या ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। जो तबला का पोस्ट है, तबला अकाउंटेंट का पद है, उसमें कुल 3 पद हैं, 2 जनरल और 1 OBC का है। ग्रुप सी का पद है, लेवल 4 है, एज लिमिट में 45 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो संबंधित सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वालिफिकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा के साथ 12वीं क्लास पास होनी जरूरी है। डिजाइवर भी दिया है, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा पद है जूनियर असिस्टेंट का पद है, नंबर ऑफ पद 4 है,
ग्रुप सी का पद है, लेवल टू है, एज लिमिट में 27 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12वीं क्लास पास या इक्विवेलेंट डिग्री आपको होना चाहिए, और हैविंग टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मांगा है, जो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। अगला जो पद है लेबोरेटरी अटेंडेंट का है, नंबर आप पद 4 है, जिसमें कंप्यूटर लैब के लिए 1 पद है, डिटेल आप देख सकते हैं। ग्रुप सी का पद है, लेवल 1 है, एज लिमिट में 30 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्वालिफिकेशन में 10वीं क्लास पास या इक्विवेलेंट मांगा है। यदि आप 10वीं क्लास पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, वो भी साइंस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। अगला जो हमारा पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, नंबर आप पद 4 है, ग्रुप सी का पद है, पे लेवल 1 है, एज लिमिट में 30 साल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और क्वालिफिकेशन में पास 10वीं क्लास या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्टेट एजुकेशनल बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट दिया है, और इसके अलावा सेकेंडरी लेवल पे आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम से संबंधित जानकारी आप डिटेल देख सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया है, यदि आप कमेंट करते हैं तो सिलेबस से संबंधित मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो इसमें महत्वपूर्ण सूचना है जो नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। यह एडवर्टाइजमेंट टोटल 38 पेज का है, तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या करना है कि आपको इसमें सिलेबस पदवार सिलेबस इसमें दिया है, तो पदवार सिलेबस की जानकारी आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे जो जनरल नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक जनरल नोट दिया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित जानकारी दी है, वेबसाइट से संबंधित भी जानकारी आप ले सकते हैं, एज लिमिट से संबंधित जानकारी इसमें दिया है जो आप ले सकते हैं। एस सी एस टी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है, ईटीसी करके दिया है, जो आप एडवर्टाइजमेंट से डाउनलोड करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज जो कास्ट सर्टिफिकेट का अदर जानकारी है वो आप ले सकते हैं। हम इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लिए आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसे विज्ञप्ति में नीचे सबसे दिया है, उसमें एडमिट कार्ड भी दिया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको एडमिट कार्ड भी फिल करना है, संबंधित डॉक्यूमेंट लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, इसके अलावा गजेटिया अधिकारी से जो है अटेस्टेड करवानी है। इसके बाद सारी प्रोसेस करने के बाद आपको प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वोमेन पंजाबी बाग बेस्ट न्यू दिल्ली के पास आपको सेंड करना है, और सेंड करने मतलब आपका जो 16 जुलाई 2021 अंतिम तिथि है, यह तिथि आपके फॉर्म पहुंचने की तिथि है, 16 जुलाई 2021 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस पे जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। शुल्क जमा करने के लिए आपके डीडी बनाकर पे करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो विज्ञप्ति में दिया